फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम तड़के वाले चावल बनाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है। तड़के वाले चावल बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उन्हें हम एक बार देख लेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चावल बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का और इसे इस तरीके से पतले स्लाइसिस के टुकड़ों में काट लिया है। एक गिलास चावल लिया है और चावल को आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। और इस चावल की मेजरमेंट मैंने इस गिलास से की है। एक गिलास अगर हमारे चावल हैं तो पानी हम 1.5 गिलास लेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी होती है चावल बनाने की, तो हम इसे भिगो नहीं पाते। और इस कंडीशन में आप अगर 1 गिलास चावल लेते हैं तो उसमें 2 गिलास आप पानी डालें। अगर आधा घंटा पहले चावल को भिगो दिया है तो फिर 1 गिलास चावल और 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। 2 हरी मिर्च ली है, इसको काट लिया है बारीक टुकड़ों में। 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम कुकिंग ऑयल लेंगे और कुछ साबुत मसाले भी हैं हमारे पास। 1 चम्मच जीरा है और 3 तेज़ पत्ते, 4-5 लौंग और 10-15 काली मिर्च। शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रखते हैं कि गर्म होने के लिए। और इसमें अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल को हम हल्का सा गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, तेज पत्ता डाल देंगे और जीरा, लौंग, काली मिर्च सभी हम मसाले इसमें डाल देंगे। हल्का सा इसे भूनेंगे और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हम 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। प्याज हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं कि गुलाबी रंग का हो गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। पानी डालेंगे इसके अंदर 1.5 गिलास। एक बार हिलाने के बाद साथ में ही हम इसमें चावल भी डाल देंगे। हिला देंगे इसे अच्छे से और अब हम गैस जो है अपनी मीडियम पे रखेंगे और इसे हम ढककर पकने देंगे। चेक कर लेते हैं चावल को, 8 से 10 मिनट लगे चावल को बनने में। चावल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। और गैस हम बंद कर देंगे और इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। चावल हमारे तड़के वाले बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे चावल बनके तैयार हुए हैं और आप इसे इसी तरीके से बना के खा सकते हैं। इसे दाल के साथ भी परोसा जा सकता है और इसे आप इस क्योंकि जो नमकीन चावल है और बिना दाल के भी इसे अच्छे से खाया जा सकता है। आप इसे इसी तरीके से बनाइए और खाइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे द्वारा कोई भी नई वीडियो अगर मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।